सो यू व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम फिर से खेलने वाले हिटमैन 2। एंड जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि हम गए थे अमेरिका सिटी में, एंड वहां पे यार हमने दो लोगों को मारा था। तो अगर यार आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो मैं ऊपर राइट साइड अवेलेबल पे लिंक चला, वहां जाके जरूर से पहला पार्ट चेकआउट कर लेना। तो गाइस यार आज जो अपना एजेंट 47 है वो आया हुआ है मालदीव्स आइलैंड में। एंड कहना पड़ेगा यार ये जो आइलैंड है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो मैं आपको यार आगे दिखाता हूँ कि यार ये आइलैंड कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। एंड यहाँ पे यार एक रिसोर्ट है जिसका नाम है हेवन, तो हमको यार वहाँ पे जाना है। तो ये रहा वो रिसोर्ट एंड हमको यार यहाँ पे आज जाना है। एंड यहाँ पे हमको शायद तीन लोगों को मारना है, मैंने थोड़ा आगे पढ़ा था। तो हमको यार आज तीन लोगों को मारना है। अभी वो तीन लोग कौन कौन होते हैं वो हमको अभी देखना पड़ेगा कि कौन कौन से वो लोग हैं। एंड अभी तो यार ये थोड़ा ट्रेलर जैसा कुछ चल रहा है तो इसको अभी ख़त्म होने देते हैं। एंड सब कुछ अभी पता चल जाएगा कि हमको क्या करना है आज और क्या नहीं। तो चलिए अभी देखते हैं। तो गाइस यार जब तक अपनी गेम स्टार्ट होती है तब तक यार मैं आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहूँगा कि आपको यार पता है कि आजकल क्या सिचुएशन चल रही है बाहर। तो एंड मेरे जितने भी यार व्यूअर्स हैं वो उनकी एज ग्रुप शायद 10 से 24 के बीच में है, यानी कि बहुत यंग एज है आप लोगों की। तो गाइस यार आपको तो पता ही है कि यार बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी स्प्रेड हो रही है इस समय, एंड बहुत सारे लोग डिप्रेस हो रहे हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा सबके साथ। तो अगर यार आपके साथ यार कुछ ना कुछ आप सैड हो यार कुछ भी हो रहा हो तो प्लीज़ यार अपने दोस्तों को यार कॉल कर लो, थोड़ी सी बातें कर लो, थोड़ा बस डे स्पेंड कर लो, कुछ ना कुछ तरीके से बिजी रहो, क्योंकि अभी यार जो थोड़ा टाइम है वो थोड़ा क्रिटिकल है। मैं भी यार कई बार लो फील करता हूँ, तो अगर आप भी यार कुछ लो वो फील करते हो एंड अगर आप मेरे साथ कोई बात शेयर करना चाहते हो तो आप मेरे को ज़रूर डीएम कर सकते हो, मैं सारे डीएम का आंसर्स देता हूँ। तो बस यार मेरे को यही कहना है कि यार बस सेफ रहो, हैप्पी रहो एंड बी पॉजिटिव। तो चले गाइस अभी अपने वीडियो में बढ़ते हैं आगे। ओके तो गाइस यार ये रहा अपना एजेंट 47 एंड पता नहीं यार इसके साथ क्या करें। ओके तो भाई इस मिशन में एजेंट 47 का नाम है मिस्टर रीपर एंड जो कि बढ़िया नाम है। ओके तो गाइस यार यहाँ पे अपना पहला टारगेट है टाइसन विलियम्स जो कि सीईओ है हेवन का, एंड ये है लिडमिला विट्रोला जो कि पता नहीं भाई क्या करती है, बहुत ही अजीब नाम है इसका। एंड तीसरा मेंबर कौन है भाई? ओके तो ये है स्टीवन ब्रैडली जो कि सारा सॉफ्टवेयर वर्क करता है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, छोड़ो। तो बस गाइस आज हमको इस तीन लोगों को मारना है इस हेवन रिसोर्ट में, तो देखते हैं भाई कैसे मारेंगे। तो चले गाइस अभी शुरू करते हैं। ओके तो गाइस यार अभी अपना जो एजेंट 47 यानी कि मिस्टर रीपर जो है वो आ चुके हैं इस आइलैंड पे। तो चलिए गाइस यार मजा आएगा इस वीडियो में। एंड अगर यार आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम 700 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो चलिए गाइस अभी शुरू करते इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके तो गाइस यार चलो अभी अपनी गेम स्टार्ट हो चुकी है। तो अपना जो यार पहला जो टारगेट है वो यहीं पर राइट साइड में ही है, तो शायद से ये इस हट में है। तो एक काम करते हैं भाई, यहाँ से नीचे उतर के यहाँ पे बॉडीगार्ड खड़ा हुआ है तो उसको थोड़ा डाइवर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने फेंक दिया है एक कॉइन जिसके वजह से वो जो बॉडीगार्ड है वो यहाँ से हट जाएगा तो हम अंदर जा पाएंगे। ओके चलो। ओके तो गाइस यार जो वो बॉडी गार्ड है वो जा रहा है नीचे की तरफ, तो अपनी जल्दी से यार अपनी गन निकाल लेते हैं। कहाँ गई भाई? हाँ ओके चलो भाई हमने अपनी गन निकाल ली है। एंड शायद से यार वो जो अपना टारगेट है वो बाहर की ओर ही आ रहा है, और यहाँ पे यार और एक आदमी खड़ा है, पर देखते हैं यहाँ से अभी हम शॉट ले पाएंगे कि नहीं। आई गेस हम यहाँ से मार पाएंगे, अगर नहीं मार पाए तो उस साइड पे जाके मारना पड़ेगा। ओके ओके भाई यहाँ से हम उसको नहीं मार पाए तो एक काम करते हैं यहाँ से उसको मारते हैं। ओके भाई ये खड़े और सीधा इसको हेडशॉट देंगे। ओके चलो भाई यहाँ पे अपना पहला टारगेट खत्म हो चुका है। एंड ओ शिट गाइस यार अपना जो क्राइम है वो नोटिस हो चुका है तो हमको यार यहाँ से जल्दी से भागना पड़ेगा। एंड एक बात तो यार बहुत ही गलत है इस गेम की, यार इसका जो यार ये कैरेक्टर है वो जल्दी से मूव नहीं करता, थोड़ा लेटली मूव करता है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है एंड बहुत ही कंफ्यूजिंग करता है कई बार तो ये। एंड इस एट द सेम टाइम इसका जो गन लेके हम जो एम लेते हैं तभी भी यार ये सीधा एम नहीं लेता, बहुत ही ज़्यादा इसका टाइम लगता है इसको एम लेने में, तब तक यार उन लोगों को पता भी चल जाता है और मार भी देते हैं। तो इस गेम की यार ये थोड़ी दिक्कत है, तो पता नहीं यार ये हिटमैन वालों ने ये क्यों नहीं सॉल्व किया है, आई डोंट नो। तो चलो यार अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं कहीं पर अंदर,
एंड यार यहाँ पे यार एक आदमी सो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको मार के यार इसके कपड़े ले ले, क्योंकि भाई इन लोगों को अभी अपने कपड़े पता चल गए तो हमको यार इसके क्लोथ्स लेने पड़ेंगे। तो चले गाइस, अभी हमने इसके क्लोथ्स पहन लिया है एंड अभी इसकी जो बॉडी है उसको हम इधर कबाड़ में रख देते हैं, वरना किसी को पता चल गया तो बहुत गलत हो जाएगा। तो चलो भाई, अभी अपना एजेंट 47 हो चुका है लाइफ गार्ड, एंड अभी मेरे को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आगे की तरफ दो लाइफ गार्ड ऑलरेडी खड़े हुए हैं। एंड अपना जो यार सेकंड टारगेट है वो अपने ऊपर ही है, तो चलो शायद वो नीचे की ओर आ रहा है, तो मेरे को यार यहाँ से पहले दूर जाना पड़ेगा क्योंकि जो दो लाइफ गार्ड है उनको हम पे शक जा सकता है, तो हमको थोड़ा दूर से कुछ काम करना पड़ेगा। तो चलिए, अभी हम यहाँ पे कहीं पे तो आ चुके हैं अभी आगे की तरफ, एंड अभी यार वो लोग हमको नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि हमने क्लोथ्स अपने चेंज कर लिए है। तो चलिए अभी यहाँ पे क्या है, ओके तो यहाँ पे तो कोई यार कुछ ज़्यादा है नहीं, तो यहाँ पे यार एक गैस कैन है, तो चलिए यार इसको फोड़ देते हैं। तो यहाँ पे अभी गैस लीक होगी तो शायद वो टारगेट अपना इधर आता है तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, तो इधर से ही हम उसको मार पाएंगे। तो शायद गाइस वो अपना जो सेकंड टारगेट है वो यहीं पे आ रहा है, ओके तो वो बाहर की साइड खड़ा हुआ है, ओके तो यार इन लोगों को हम पे शक जा रहा है तो हमको यहाँ से भागना पड़ेगा। ओके शेट 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 भाई, इन लोगों को शक जा रहा है, फिर से अपना एजेंट 47 की जो मूवमेंट है वो फिर से लॉक हो गई। ऐसा ही होता है यार कई बार, ये इतना तेज़ नहीं भाग पाता। तो चलिए अभी हम फिर से यहाँ पे आ जाते हैं, शायद यार वो जो आदमी है यानी कि अपना जो सेकंड टारगेट है वो यहीं पे अंदर आएगा। एंड हमने यार एक काम बहुत ही अच्छा किया, हमने जो वो गैस कैन था उसको ब्लास्ट यानी कि हमने उसको लीक कर दिया है, तो अभी हम एक भी बुलेट मारेंगे तो सीधा यहाँ पे ब्लास्ट होगा। तो अभी देखते हैं कि भाई वो अंदर आता है कि नहीं। ओके भाई चला आ जा, जल्दी से आ जा यार तू। ओके तो गाइस यार पता नहीं यार वो आदमी किसी के साथ बात कर रहा है बाहर, वो शायद हमको ही ढूंढ रहा है पर हम अंदर की साइड है। ओके चलो भाई वो अंदर आ रहा है तो हमको यहाँ पे अभी पीछे खड़ा रह जाना चाहिए, तो यही टाइम है। एंड चलिए भाई हमने यहाँ पे कर दिया है क्लास, तो हमको यार भागना पड़ेगा, इसको पता चल गया है कि भाई हमने ही उसको मारा, तो भाई बहुत ही गलत सीन हो चुका है गाइस, अभी सबको पता चल चुका है कि हमने यहाँ पे इसको मारा है, तो बहुत ही गलत हो चुका है। अभी हमको यार यहाँ से जल्दी से भागना पड़ेगा एंड कहना पड़ेगा यार ये बहुत ही ज़्यादा गन शॉट दे रहा है हमको, तो भाई लग गई तो हमारी वाट लग जाएगी, तो हमको जल्दी से कहीं पे छुपना पड़ेगा। एक तो यार यहाँ पे कहीं पे छुपने की जगह भी नहीं है, तो आई गेस इस झाड़ियों में ही छुप जाते हैं तो किसी को शक नहीं जाएगा। ओके तो गाइस यार चलो थोड़ी देर के लिए इधर ही झाड़ियों में छुप जाते हैं, वरना भाई बाहर निकले तो यार ये लोग हमको बहुत ही गंदा मारेंगे। एंड अपना एजेंट 47 अकेला है, इसके पास कोई बैकअप भी नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए इधर ही छुप जाते हैं झाड़ियों में, वरना भाई बहुत ही गलत हो जाएगा। तो अपना यार जो नेक्स्ट टारगेट है वो इस साइड है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार एक बार भाग जाते हैं यहाँ से। चलो भाई हम भाग ही जाते हैं यहाँ से, अभी कोई इधर है भी नहीं, तो जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं। एंड अभी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो पूरा उस साइड है, यानी कि अभी हमको यार जो हेवन का सीईओ है उसको मारना है, तो चलो जल्दी से चलते हैं। एंड यहाँ पे यार फिर से हम पे शक चला गया है एंड फिर से ये लोग हम पे अटैक कर रहे हैं, तो हमको जल्दी से भागना पड़ेगा यहाँ पे, यार निकल भी नहीं सकते। चलो 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 सीधा भागना पड़ेगा हमको। तो ये क्या फेंक रहे हैं भाई, बहुत ही गंदा है यार, स्टन ग्रेनेड फेंक रहे हैं। तो चलो भाई जल्दी से यहाँ से हमको निकलना पड़ेगा, और ये आज पता नहीं यार एजेंट 47 को क्या हुआ है, बहुत ही गलत मूवमेंट कर रहा है। चलो जल्दी से चलते हैं, तो अभी ऑलमोस्ट यार यहाँ पे अभी कोई नहीं है। तो बस गाइज यही वो विला है जहाँ पे टाइसन विलियम्स रहता है, एंड कहना पड़ेगा यार इसने अपना प्राइवेट विला बना के रखा है पीछे की साइड, तो हमको यार यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि भाई इसकी सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा होगी। एंड यहीं पे हमको एक पहला कैमरा भी दिख चुका है, तो सबसे पहले भाई इस कैमरा को तोड़ते हैं। एंड चलो भाई यहाँ पे अपने पहला कैमरा हमने फिनिश कर दिया है, तो अभी मेरे को सोचना पड़ेगा कि गाइस अंदर कैसे जाएंगे, क्योंकि अभी कोई मेरे को रास्ता तो नहीं दिख रहा। पहले काम करते हैं रिलोड कर लेते अपनी गन को, क्योंकि कहीं भी फाइट होगी तो अपनी गन रिलोड होगी तो अच्छा रहेगा। तो ओके तो गाइस वो रहा अंदर टाइसून विलियम, एंड कहना पड़े यार बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी है उसके पास, तो बहुत ही टफ होने वाला है भाई इसको मारने का। एंड देखते हैं भाई अभी क्या करेंगे। ओके तो एक बार चेक कर लेते हैं भाई ये डोर खुला है कि नहीं, तो शायद यार ये डोर नहीं खुला है, तो कोई पीछे से यार कोई रास्ता होगा तो वहाँ से चले जाएंगे। ओके तो ये क्या हुआ,
ओके तो गाइस यार यहाँ पे एक सीढ़ी है एंड यहाँ पे इतनी स्पेस भी है कि हम यहाँ से जंप कर पाएंगे, पर शायद अपना एजेंट 47 इस सीढ़ी पे नहीं चढ़ पा रहा है, आई डोंट नो क्यों। और एक बार ट्राई करते हैं कि शायद यार कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा हमको सीढ़ी पे चढ़ने के लिए। ओके तो यहाँ से हम शायद जा सकते हैं, तो देखते हैं भाई, एक काम करते हैं यहाँ से पहले थोड़ा देखते हैं कि क्या सीन चल रहा है वहाँ पे। चलिए चलते हैं, तो मेरे हिसाब से यार यहाँ पे कोई तो बंदा है। ओके चलो भाई, वो हमको दिख चुका है, वहाँ पे एक बंदा है एंड अभी हम उसको कैसे मारेंगे। ओके तो यार यहाँ से अभी हम आगे नहीं जा सकते, तो यहाँ से तो भाई कोई ऑप्शन नहीं है हमको ऊपर चढ़ने के लिए, कि ना ही कोई एंट्रेंस का, तो हमको लगता है भाई वहीं से जाना पड़ेगा जहाँ से सीढ़ी थी। ओके तो अभी यहाँ से कुछ ट्राई करते हैं कि क्या करेंगे। तो ओके ये क्या है भाई। ओके तो यहाँ पे हमको एक नारियल जैसा कुछ मिल चुका है, शायद नारियल ही है। ओके भाई नारियल ही है, तो नारियल भी अपने काम आ सकता है भाई मारने के लिए। ओके चलो भाई, हमको ऑप्शन आ चुका है, तो हमने यहाँ से जंप कर लिया है एंड कहना पड़ेगा यार बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी है ना, फिर भी इजीली हमने जंप कर लिया, कोई नहीं। चलो तो अभी यहाँ पे एक बार मैं सब कुछ चेकआउट कर लेता हूँ। ओके तो गाइज यार यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तगड़ी सिक्योरिटी, एक बार यार चेकआउट करो, बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटीज़ यहाँ पे है, तो मेरे को तो यार बहुत ही ज़्यादा टफ लग रहा है भाई, हम इसको कैसे मारेंगे। एंड यहाँ पे अभी अभी पीछे भी यार 3 लोग हैं एंड आगे तो यार बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो आई डोंट नो कि भाई कैसे मारेंगे। ओके तो गाइस यार एक जल्दी से काम करते हैं, हम इस पीछे की सीढ़ियों से ऊपर चले जाते हैं, तो किसी को शक नहीं जाएगा शायद, क्योंकि यहाँ पे एक ही सर्वेंट है एंड इसको यार कुछ भी नहीं दिखा। ओके चलो भाई, यहाँ पे और 2 सर्वेंट हैं, तो अभी यार इन दोनों को तो यार मारना पड़ेगा, वरना ये लोग बहुत ही बीच में आ सकते हैं, तो कैसे मारेंगे भाई। कोई ऑप्शन तो नहीं दिख रहा मेरे को यार। ले यार, तो ऊपर सबसे पहले ऊपर कैमरा है, तो कैमरा को यार सबसे पहले मार उड़ाना पड़ेगा। ओके चलो भाई, कैमरा डाउन हो चुका है अभी एंड अभी ये दोनों डर चुकी है एंड यहाँ पे अभी एक ही बची है, तो हम इस एक बंदी को ही मार देते हैं पहले। ओके चलो भाई, ओके चलो भाई, सीधा ये हेडशॉट दे दिया हमने एंड अभी ये बंदी यहाँ पे फिनिश हो चुकी है। एंड अभी काम करते हैं, इसकी बॉडी को यार ठिकाने लगाना पड़ेगा कि कोई भी देख ले इससे पहले, तो कहाँ पे लगाएंगे भाई, यहाँ पे और कोई तो है नहीं। चलो तो काम करते हैं, इसकी बॉडी को खींच के लेके चलते हैं। ओके गाइस यार, किसी ने हमको देख लिया है अभी एंड हमारा जो क्राइम है वो भी नोटिस हो चुका है, तो हमको यार जल्दी से कुछ करना पड़ेगा वरना बहुत ही दिक्कत आ सकती है। तो मैं सोच रहा हूँ गाइस, काम करते सीधा अंदर चलते हैं पहले एंड कहीं पे छुप जाता है। ओके चलो भाई, हमने यहाँ पे थोड़ा कवर ले लिया है, पर शायद फिर भी हम दिख जाएंगे। ओके भाई, इसने हमको देख लिया था, अभी पहले एक काम करते इसको ही मार देते हैं। चलो भाई, हमने अभी इसको मार दिया है एंड ओके भाई, हमको यार पड़ रही है, बहुत ही गंदी पड़ रही है। शिट 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 शिट, बाहर से वो देख चुका है हमको एंड हमको बहुत ही ज़्यादा गंदी पड़ रही है। एंड चलो भाई, हमने थोड़ा तो यार इसके साथ फाइट ले लिया है, तो अभी ये लोग हमको इतना परेशान नहीं करेंगे। तो एक काम करते हैं गाइस, जल्दी से सबसे पहले अंदर चलते हैं एंड उस बंदे को ही मार देते हैं सबके सामने, तो जल्दी से यहाँ से भागते हैं एंड अभी उस बंदे को मारते हैं। ओके तो वो कहाँ गया। ओके चलो गाइस, ये बैठा हुआ है ये बंदा एंड अभी ये बैठा, तू तू ले। चलो भाई, ये अभी शिट, बहुत ही ज़्यादा शॉट्स हमारे मिस हो चुके हैं एंड अभी इस बंदे को छोड़ो, नहीं मारना। चलो भाई, अभी यहाँ से यार जल्दी से भागते हैं, कोई भी हमको मारे इससे पहले हमको यहाँ से भागना पड़ेगा। एंड पता नहीं आज एजेंट 47 की मूवमेंट का क्या सीन है, बहुत ही गलत चल रहा है, तो जिस जगह से हम आए थे उसी जगह से हम वापस से भाग जाएंगे, यानी कि यहीं से पीछे से हम दीवार कूद के चले जाएंगे। चलो भाई, जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं, तो पहले एक बार यार हम ये दीवार कूद ले। ओके चलो भाई, अभी मेरे हिसाब से कोई भी हमको बीच में नहीं आने वाला है, तो बस हमने आज के तीनों टारगेट को ख़त्म कर दिया है। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बस गाइस, ऐसे ही मिलेंगे अभी एक नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। Can I be your superhero?